मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर असलम खान ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ से पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैंने कुछ टिप्स दूंगा जो BA LLB फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट आर्ट्स का सब्जेक्ट है जो कि आगे चल के लॉ के भी सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन ये आर्ट्स के सब्जेक्टों को भी स्टूडेंट को सही मायने में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर उसका आंसर लिखें। पॉलिटिकल साइंस में स्कोप, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में नेचर पॉलिटिकल साइंस को साइंस और आर्ट्स दोनों के बारे में कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसके बारे में आगे चल के फिर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, राज्य किसे कहते हैं, स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं। स्टेट के चार एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरनिटी, क्योंकि कोई भी स्टेट बिना पॉपुलेशन के नहीं बन सकता, बिना टेरिटरी के नहीं बन सकता और उसके लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है और इसमें सॉवरनिटी का होना ज़रूरी है। तो ये चार एलिमेंट्स हैं जो मैंने बताए थे पहले भी। और इसके बाद अब मैं बात करता हूँ पावर पर, पावर शक्ति, पावर्स, सोर्स ऑफ पावर्स, जैसे नॉलेज, पॉइंट वन नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ पावर्स, क्योंकि पावर्स किसी विभिन्न प्रकार की होती हैं, शक्ति जो काफ़ी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, रिलीजियस पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर, जिम्नास्टिक पावर और बहुत सारी पावर्स हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम सभी को इनकी सभी के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि रिलीजियस पावर और इन सब का भी पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंस होती है। जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको भी सरकार, उनकी भी बात को कहीं ना कहीं मानती है, इसलिए रिलीजियस पावर इज वेरी डेंजरस पावर इन अवर सोसाइटी, क्योंकि जो धार्मिक शक्ति होती है समाज के लिए वो खतरनाक होती है। कोई भी धार्मिक नेता अगर समाज में कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका असर सोसाइटी में पड़ता है। पॉलिटिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर इन अवर सोसाइटी, और राजनीतिक पावर इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एवरी पर्सन वॉन्ट्स कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, हर व्यक्ति राजनीतिक पावर कैप्चर करना चाहता है इसलिए। और थर्ड आगे है इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर वो होती है जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी हु हैज़ लॉट ऑफ मनी, सो दैट दीज पर्सन्स आर एलीट्स पर्सन इन आवर सोसाइटी, लाइक टू टाटा ग्रुप्स, अम्बानीज, बिरलाज, तो ये क्या है, इनके पास क्या है, इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर इसका भी होना ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स यही लोग होते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई प्लान या कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो इन्वेस्टर्स के थ्रू ही संचालन किया जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक पावर भी इम्पोर्टेंट है। जिम्नास्टिक पावर एक इंडिविजुअल पावर होती है, जो व्यक्ति के अंदर मसल्स पावर्स होती है। और इसके बाद जैसे यूनियन, यूनियन एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ लिमिटेड पावर, नॉट लीगल पावर, यानी एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक छोटी मोटी पावर रखता हो, लाइक टू प्रेशर ग्रुप। तो इसको ऑर्गेनाइजेशंस में बोलेंगे। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं जो प्रशासनिक पावर कहलाती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक ऑफिसर्स उसको यूज़ करते हैं उस पावर्स से। और जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर भी अपने आप में एक अलग पावर है, क्योंकि
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जुडिशरी पे विश्वास करता है, तो जुडिशियल पावर भी एक इम्पोर्टेंट पावर कहलाती है। इसी प्रकार समाज के अंदर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन लीडर्स होते हैं, वो कोई भी कानून बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, तो उसका जो पालन कराया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कराया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स वहाँ पर यूज होती है, उस पे उसके अंदर जो भी न्यायपालिका भी अपना ध्यान रखती है, जुडिशियल पावर इस वहाँ पर यूज होती है कि कोई गवर्नमेंट्स के खिलाफ या कोई किसी को कोई परेशानी या कोई न्यायालय से संबंधित जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, वो जुडिशियल पावर के थ्रू दिए जाते हैं। इसलिए पावर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये हमें पॉलिटिकल साइंस में आगे चल के पढ़ना होगा। और इसको मैंने मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स बताए हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। और एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि पहले क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से पढ़ें स्टूडेंट्स भी LLB फर्स्ट सेम के, और फिर आगे चल के क्वेश्चन का आंसर लिखें, वह हाईलाइट करें जिससे अच्छे मार्क्स मिलें। और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वारीज हो तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में आके डॉक्टर असलम खान जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।